नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रस के बारे में बताऊंगा। ट्रस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। व्हाट इज ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस, मेथड्स ऑफ ट्रस एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस, यह सभी जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रस क्या है, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? तो जो ट्रस्ट होता है, आ ट्रस्ट इज अ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। ट्रस्ट एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है विच इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ टू फोर्स मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, जो कि कोई दो फोर्सेस, सपोज ए आपका एक ट्रस्ट है, तो कोई दो फोर्सेस मेंबर से ट्रायंगल के रूप में बनता है। तो मीन्स ट्रस्ट इज ए स्ट्रक्चर या ट्रस इज अ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय द कलेक्शन ऑफ टू फोर्स मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ट्रसेस आर मोस्टली यूज्ड इन ब्रिजेस, रूफ्स, टावर्स। जो ट्रस का उपयोग किया जाता है, आप देखते हैं जितने भी पुल्स वगैरह होते हैं, या आप रेलवे से जाते हैं तो ट्रेन के जो ब्रिज होते हैं वो आपके ट्रस से बने होते हैं। इसके बाद आपके जो पोल होते हैं, बड़े बड़े खंबे गड़े होते हैं पावर सप्लाई वाले, वो भी ट्रस स्ट्रक्चर उसमें होता है। आप मोबाइल टावर्स देखते हैं, मोबाइल टावर्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका क्या है, ट्रस यूज होता है। तो मीन्स ट्रस का जो अधिकतर उपयोग किया जाता है वो हमारे किसमें, ब्रिजेस, रूफ्स एंड टावर्स, इन जगहों पर ट्रसेस अक्सर यूज होता है। और ट्रसेस की जो एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ट्रसेस यूज्ड इन ब्रिज, रूफ्स एंड टावर्स। अब इसके प्रकार, ट्रस तीन प्रकार के होते हैं, परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस एंड रेडंडेंट ट्रस। ये तीन टाइप के ट्रस हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब हम देखेंगे परफेक्ट ट्रस क्या होता है। तो परफेक्ट ट्रस का मतलब है, हम उस ट्रस को परफेक्ट बोलते हैं जब यह सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, एम इक्वल टू जे माइनस थ्री। When this condition is satisfied, जब ये condition satisfied होगी तो वो truss हमारा कौन सा होगा, perfect। जैसे कि example के लिए ये diagram लें, diagram में हमारे 1, 2, 3 members हैं। ये जो आपकी rod connected है, एक members हो गया, ये second member हो गया, ये third member हो गया। तो 1, 2, 3 members हैं, और इसके जो number आप joints हैं, joints में 1, 2 and 3 joints हैं, जिसमें एक सिंपल सपोर्टेड है, एक रोलर सपोर्टेड है। ये सपोर्ट रिएक्शन होंगे, है ना। तो यहाँ पे यदि हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो m इक्वल 3 इक्वल 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये क्या बचता है, 3 इक्वल 3। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, या 3 माइनस 3 करेंगे तो इक्वल 0। तो जब ये m इक्वल 2j माइनस 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। This type of truss does not break under loading. Loading में ये truss है जो कि break नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक। Second है imperfect truss. तो a truss is said to be imperfect when it has less members than the required. जब जरूरत से कम number of members होंगे तो उसको हम इम्परफेक्ट ट्रस बोलते हैं। इसके लिए जैसे इक्वेशन, द इक्वेशन इम्परफेक्ट ट्रस की होती है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। तो m यदि हम यहां पे देखें, तो m हमारे इसमें देखेंगे डायग्राम में इम्परफेक्ट ट्रस के, तो m कितने मेंबर्स, इसमें भी 1, 2, 3, 4 मेंबर्स हैं। m की वैल्यू हम 4 पुटअप करेंगे, इज लेस देन 2 इंटू j की वैल्यू 4, क्योंकि ज्वाइंट भी हमारे कितने हैं, 4 ही, माइनस 3। तो ये क्या रहा है, 4 इज लेस देन 5, ये इम्परफेक्ट है क्योंकि ये लेस देन 5 है, ठीक। थर्ड आपका है रेडंडेंट ट्रस। अब ये वाला जो ट्रस होता है, इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स
रिक्वायर्ड से ज़्यादा होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम रिडंडेंट ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारे तीन प्रकार के ट्रस्ट होते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रस्ट। मेथड ऑफ ट्रस्ट एनालिसिस में जैसे कि आपकी सबसे पहले मेथड ऑफ ज्वाइंट होती है, सेकंड मेथड ऑफ सेक्शन होती है, और थर्ड होती है ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा हम ट्रस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम ज्वाइंट मेथड से भी कर सकते हैं, सेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल से भी कर सकते हैं। वो थ्री आर डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर ट्रस एनालिसिस। ठीक, सबसे पहले जो हमारी ज्वाइंट मेथड है, ये ज्वाइंट मेथड में क्या होता है कि द मेथड ऑफ ज्वाइंट इज यूज टू फाइंड फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। मेथड ऑफ ज्वाइंट का जब उपयोग हम करते हैं तो इसमें हमको सभी मेंबर्स के फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है ट्रस के। जबकि जो मेथड ऑफ सेक्शन होती है, इसका उपयोग हम तब करते हैं व्हेन जब हमें कोई सिलेक्टेड मेंबर्स को ही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। कि जैसे आपकी जॉइंट मेथड में यदि चार जॉइंट है तो चारों पे करना है, और सेक्शन मेथड में जैसे हमको कोई सिलेक्टेड टू पे करना है, तो वी कैन यूज मेथड ऑफ सेक्शन, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें इसकी प्रोसीजर, ट्रस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर है इसकी, तो सबसे पहले प्रोसीजर देखेंगे। तो प्रोसीजर में आपको सबसे पहले वी कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द ट्रस बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम ट्रस के सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें कौन सी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम की, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल जीरो, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल जीरो। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसका उपयोग करके सबसे पहले आपको रिएक्शन सपोर्ट जो रिएक्शन होते हैं उसको निकालना होगा। सेकंड, हम ट्रस के स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करेंगे जीरो फोर्स मेंबर। देखने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ इसमें कौन सा जीरो फोर्स मेंबर है, उसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम जैसे कि ज्वाइंट हैं, किसी एक ज्वाइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो इस ज्वाइंट का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, जिसमें एक आपका सपोर्ट लगेगा रिएक्शन, एक आपका ए मेंबर्स हो गया, एक ए मेंबर्स हो गया। तो मींस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे ज्वाइंट का, जहां पे मैक्सिमम अननोन है वो दो से कम हो, लेस देन टू, दो से कम अननोन होंगे वहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो या तो वो कंप्रेशन में आएगा या टेंशन में आएगा, क्योंकि दो ही कंडीशन मिलेंगे ट्रस के स्ट्रक्चर, या तो खिंचेगा या कंप्रेस होगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम क्या करते हैं, फाइंड दिस टू अननोन फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो, इसके बाद इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद हम जैसे एक ज्वाइंट पे हमको मिल गई वैल्यू, इसके बाद हम नेक्स्ट ज्वाइंट पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे, और इसके बाद फर्दर उसमें भी हमारी इसी प्रकार होगा कि लेस देन टू अननोन हो, वहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार हम सभी ज्वाइंट्स पे ट्रसेस के फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं। इस तरह की प्रोसीजर अप्लाई हम करते हैं सेक्शन ऑफ ज्वाइंट्स में या सेक्शन ऑफ मेथड्स में। ठीक, इस प्रोसेस से हम ट्रस को एनालिसिस करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।